शादी के बाद सर पे चोट लगी है क्या? नहीं तो याददाश्त कैसे चली गई? ये भी भूल गई कि तू इस घर की बहू है या इतने काम पड़े और यहाँ मेंढकी की तरह लेटी पड़ी है। वहाँ वनराज कौवे की तरह काव्या काव्या कर रहा है, उसे चाय भी मैंने बना के दी। इतना होने पर भी अनुपमा सब काम करके गई और तू है कि यहाँ बेहोश पड़ी है। लो बोलो, इतनी बातें सुन के तो लाश भी एक बार आंख खोल के देख ले कि भाई कौन बोल रहा है। और तूने तो पलट के भी नहीं देखा है, दिमाग के साथ साथ कान भी हड़ताल पे गए क्या? पापा प्लीज लीव मी अलोन। एक तरफ अनुपमा महारानी और एक तरफ तू, तुम दोनों मिलके माँ बेटे की जान ले लोगे। इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। काश इस बार मिस्टर शाह के समझ में ये बात आ जाए, इन्हें अपनी गलतियों की सजा सहने की हिम्मत और दोबारा गलती न करने की सद्बुद्धि दीजिए कान्हा जी। मैं नागिन हूँ, जहरीली हूँ, पर सच्ची हूँ काव्या, और आज भी सच्ची कहूंगी। तुम्हारे हस्बैंड के पास ना सिर्फ दो चीज है, एक अपने पिता का मकान, दूसरे अपने ईगो की दुकान। समधी जी ने अपने ईगो में आके एक बड़ा मौका खो दिया और जमीन पे आ गए, जानती हूँ। इसीलिए मैं भी वी को हमेशा यही समझाती रहती हूँ, लेकिन उसे समझाना मतलब एक सुपर फिट सुपर टोन भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है। तो कब तक बीन बजाने का इरादा है? हाँ मतलब? मतलब ये कि अपने हस्बैंड के भरोसे बैठी रहोगी या खुद भी कुछ करोगी? देखो काव्या, किंजल मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए उसका, तोशु का, अपने ग्रैंड चाइल्ड का तो ख्याल मैं रख ही लूंगी। मैं समधी जी की भी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं लेंगे। वो क्या कहते हैं ना, मिडिल क्लास वालों को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का अचार जो डालना होता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट यू। तुमने क्या सोचा? ऑनेस्टली काव्या, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम कितनी इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, वनराज से शादी करने के बाद एक अबला नारी बनकर रह गई हो। यू आर राइट राखी, मैंने भी कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब तो मैं भी दे सकती हूं तुम्हें, ओनली इफ यू वांट। सॉरी, मैं लेट हो गया, सॉरी। मैं इतना भी लेट नहीं हुआ कि ये लोग सब चले गए हों? बात क्या है? मुझे लगा मैं लेट हूँ। 26 साल लेट? नहीं, वो मुझे पता है, मैं आज की बात कर रहा था। आज भी आप लेट ही हैं, पर बाकी सब आपसे भी ज्यादा लेट हैं। मतलब इस वक्त घर पे सिर्फ हम दोनों हैं? Fantastic, awesome, mind blowing। अमूमन जो लेट आते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते।
मतलब मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आज लेट आने वालों पर मुझे प्यार आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए, दिखाई। आप चुपचाप जाकर बाहर बैठ जाइए, वो लोग आते ही होंगे और मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो आप जाइए। अरे सब अगर आने वाले तो मैं यहाँ रुककर तुम्हारी मदद कर देता ना, हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाइए। नहीं जाऊंगा, एक तो वैसे भी काम की वजह से तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं। एक बार शादी तय होगी तो फिर वो शादी के पहले लड़का लड़की मिल नहीं सकते, वो वाला पूरा ड्रामा शुरू हो जाएगा, है ना? आपका मतलब है अंकल आंटी? शट अप। ओके। शट अप। ओके। चलो नानू, दो मिनट बैठते ना यार। आप चाहिए। मैं हेल्प करूं? नहीं। तुम क्या सोच रही हो? यही ना कि अगर तुम मेरी हेल्प लोगी तो वनराज बा क्या कहेंगे? हाँ, टेल मी समथिंग, क्या वो लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं जो तुम उन लोगों के बारे में इतना सोच रही हो? किंजल और तोशु का फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि उनके पास मैं हूं, मेरे पास पैसा है। अनुज अनुपमा की भी लाइफ सेट है क्योंकि उनकी मुट्ठी में मालविका है। What about you, Kavya? अगर समधि जी का कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी मानो काव्या, खुद के बारे में सोचने लगो। लोग अगर सेल्फिश कहते हैं ना तो कहने दो, कम से कम दूसरों के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। मुझे देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, इसलिए आज इतनी सक्सेसफुल हूँ। वैसे एक बात कहूँ, बुजुर्ग पेरेंट्स, समर का करियर, समर की शादी, पाखी का करियर, पाखी की शादी, इस घर में खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे लेकिन इनकम का कोई भरोसा नहीं। ऊपर से उस घर में ना तो तुम्हारी इज्जत है ना ही कोई रेस्पेक्ट। अगर उस घर से तुम और एक सोफा गायब हो जाए ना तो लोग उस घर के सोफे को मिस करेंगे पर तुम्हें नहीं। तो तुम सोचो कि तुम्हें सारी जिंदगी उस घर में रहना है क्या? नहीं, आई थिंक तुम्हें स्टेप ले लेना चाहिए। कैसा स्टेप? पहले तो जॉब के बारे में सोचो, उसके बाद डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स लो, उस पागल खाने से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी शक्ल बता रही है काव्या कि तुम इस बारे में कई बार सोच चुके हो, या तो तुम्हारा दिल नहीं माना या तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। नाउ यू डिसाइड कि तुम्हें पहली वाली काव्या बनना है या पहली वाली अनुपमा।